हेलो नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों आज वीडियो में हम एडवर्स पोजीशन के बारे में बात करेंगे और साथ ही आज की जजमेंट में ओनली सुप्रीम कोर्ट के कैलेंडर वाले जजमेंट के बारे में बात करेंगे और उसमें ये बताएंगे कि एडवर्स पोजीशन में सुप्रीम कोर्ट ने अपने लैंडमार्क जजमेंट में क्या कहा है। इससे पहले अपनी वीडियो शुरू करें आपको बता दें, यदि आप भी लीगल टॉपिक में इंटरेस्टेड हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें और यदि आपको वीडियो में दी गई जानकारी अच्छी लगे तो हमारे दोस्तों, जैसा कि आप जानते हो जो एडवर्स पोजीशन है वो दो शब्दों से मिलकर एडवर्स प्लस पोजीशन। अगर हम इसको हिंदी में बताएं, एडवर्स का मतलब होता है विपरीत और पोजीशन का कब्जा। तो दोस्तों अब हम इसको एक उदाहरण से समझने की कोशिश करते हैं। मान लीजिए यदि मैं किसी व्यक्ति को अपना कोई प्लॉट या कोई मकान एक साल के लिए यूज करने के लिए देता हूँ और ये कहता हूँ कि आप इसमें अपना कोई भी काम कर सकते हो, अपनी बाइक खड़ी कर सकते हो या उसको किसी अन्य प्रकार से यूज कर सकते हो, और एक साल पूरा होने के बाद भी वो व्यक्ति उसी जगह पर बैठा रहता है, वो मेरे हितों के खिलाफ हो गया और मैं जानते हुए भी उस व्यक्ति को ये नहीं कहता हूँ कि आप यहाँ से अपना कब्जा हटा लीजिए या मेरा घर खाली कर दीजिए। वो जो उसका कब्जा है वो एडवर्स भी है और वो सबको विजिबल वो दिखता भी है, और उसमें यदि मैं उसको किसी प्रकार से रोक टोक नहीं करता हूँ, उसको हटाता नहीं हूँ या कोई अन्य कानूनी रेमेडी अवेल नहीं करता हूँ और वो व्यक्ति 12 साल से मेरी उसी ज़मीन पर बैठा रहता है, तो वो उसमें एडवर्स पोजीशन में आ जाता है। और क्योंकि मैंने उसको किसी प्रकार टोका नहीं है, तो जैसे कि आप सब जानते हैं 12 साल से ज़्यादा जो उसमें हो जाता है तो वो एडवर्स पोजीशन को क्लेम भी करता है और एडवर्स पोजीशन से वो उस प्रॉपर्टी में मालिक बन जाता है। तो दोस्तों इस प्रकार जो व्यक्ति जिसने मेरे प्लाट को मैंने उसको परमिशन रहने के लिए अगर मैं उसको 12 साल तक वहाँ से नहीं हटाता हूँ तो मेरे प्लाट के ऊपर एडवर्स पोजीशन क्लेम कर सकता है। तो दोस्तों ऐसे में एडवर्स पोजीशन जो है उसको हम इस प्रकार समझ सकते हैं कि सबसे पहले उसमें कब्जा होना चाहिए और जो उसका मालिक है वो एक थर्ड पर्सन होना चाहिए, और वो जो कब्जा है 12 साल तक वो इंटरप्रेट होना चाहिए, मतलब उसके बीच में कोई झगड़ा ना हो, कोई लिटिगेशन ना हो या कोई वो जो उसका कंटिन्यूस जो पोजीशन है वो 12 साल से कंटिन्यूस होनी चाहिए और पीसफुल होनी चाहिए। उसमें ऐसा नहीं है कि वो उनके बीच में कोई लिटिगेशन अगर वगैरह चल रही हो या उनके बीच कोई लड़ाई झगड़ा हो, मतलब वो इंटरप्रेट पोजीशन होनी चाहिए और वो लगातार 12 साल से उस जगह पर काबिज होना चाहिए और वो विजिबल पोजीशन होनी चाहिए। मान लीजिए उसके बारे में सबको पता होना चाहिए। इस प्रकार जो 12 साल तक लगातार पोजीशन होती है उसको एडवर्स पोजीशन बोला जाता है, और इसको आर्टिकल 65 में बताया गया है और साथ में 27 जो लिमिटेशन एक्ट है उसमें इसको डिस्क्राइब किया गया है। तो इस प्रकार जैसा कि आप जानते हो कोई व्यक्ति 12 साल से यदि किसी प्रॉपर्टी में बैठा रहता है और वो उसकी जो पोजीशन है वो अनडिस्प्यूटेड है, वो अनडाउटेबल है और उसमें किसी प्रकार से आदमी का कोई उसमें लिटिगेशन नहीं है या कोई अन्य प्रकार से शिकायत नहीं है, तो उसमें वो एडवर्स पोजीशन क्लेम कर सकता है। तो दोस्तों इसमें जो सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आया है वो रविंद्र कौर बनाम मनजीत कौर, और इसका फैसला 2019 में आया था और ये एक अपील थी 2014 की। तो दोस्तों इस जजमेंट में ओनली सुप्रीम कोर्ट ने ये बताया कि कोई व्यक्ति यदि किसी ज़मीन पर अनडिस्प्यूटेड 12 साल या उससे ज़्यादा है और वो अनडिस्प्यूटेड उसका पोजीशन है तो एडवर्स पोजीशन क्लेम कर सकता है। दोस्तों इससे पहले जो अलग अलग हाईकोर्ट के जो जजमेंट थे उनमें यही था कि कोई प्लेंटिफ एडवर्स पोजीशन को क्लेम नहीं कर सकता और किसी सूट में जो डिफेंडेंट होता है वो डिफेंडेंट के नाते ही एडवर्स पोजीशन की क्लेम कर सकता। मान लीजिए कोई व्यक्ति है, उसने किसी दूसरे व्यक्ति के खिलाफ अपने कब्जे की लेने बारे कोई केस किया है, तो डिफेंडेंट उसमें ये प्ली ले सकता था कि वो उस फ्लैट में या वो प्लॉट वगैरह है, ज़मीन है, उसमें 12 साल से ज़्यादा का मालिक है और इससे वो एडवर्स पोजीशन में उसका क्लेम से मालिक बन गया है। तो इस जजमेंट में सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि अब डिफेंडेंट की बजाय कोई व्यक्ति जो किसी प्लॉट या ज़मीन में 12 साल से ज़्यादा एडवर्स पोजीशन क्लेम करता है तो वो बतौर प्लेंटिफ भी अपना केस फाइल कर सकता है, और इसमें आर्टिकल जो 65 लिमिटेशन एक्ट है उसके अनुसार यदि कोई व्यक्ति किसी प्रॉपर्टी 12 साल से या उससे ज़्यादा बैठा हुआ उसका अनडिस्प्यूटेड उसमें पोजीशन है तो वो एडवर्स पोजीशन को क्लेम कर सकता था। लेकिन पहले क्या था, मान लीजिए कोई व्यक्ति किसी प्रॉपर्टी में 12 साल से ज़्यादा से बैठा हुआ और वो एडवर्स पोजीशन को क्लेम करता है, लेकिन क्योंकि रेवेन्यू रिकॉर्ड में वो असली मालिक ही रहता है, वो इस प्रकार अपनी प्रॉपर्टी को किसी थर्ड पर्सन को बेच देता था और उसके एडवर्स पोजीशन का जो क्लेम है वो भी उससे प्रभावित होता था। इसके बाद जो इसमें ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने आगे ये लिखा है कि अब वो व्यक्ति जो किसी प्रॉपर्टी पर
वो उस प्रॉपर्टी में एड्रेस पोजीशन क्लेम करता है और उसका 1200 से ज़्यादा अनडिस्प्यूटेड उस पर पोजीशन है, तो उसको अब बतौर प्लेंटिव वो अपना सिविल सूट फाइल कर सकता है और उसमें वो सूट मॉडिफिकेशन से अपना एक सिविल सूट फाइल करेगा, उसमें ये अपनी एड्रेस पोजीशन की पली लेगा, उसमें ये साबित करेगा कि उसका जो उस प्रॉपर्टी पर कब्जा है वो 1200 से ज़्यादा है और वो अनडिस्प्यूटेड है, वो विजिबल है और उसी में किसी प्रकार की कोई शंका नहीं है, और उसको ये प्रूव करना होगा कि वो 1200 से ज़्यादा वो उस प्रॉपर्टी पर कब्जे में है और वो उसका पीसफुल पोजीशन है। तो इसके बाद वो इस प्रकार वो सिविल सूट्स के बजरिए जो रेवेन्यू रिकॉर्ड है उसमें वो अपने नाम की एंट्री मालिक के तौर पर करवा सकता है, और इस प्रकार जो पहले वो सिर्फ डिफेंडेंट के तौर पर ही कोई एड्रेस पोजीशन की पली ले सकता था, अब वो बतौर प्लेंटिव भी अपना केस कोर्ट में फाइल कर सकता है और उस कोर्ट के बजरिए वो अपने एड्रेस पोजीशन को साबित करते हुए अपने रेवेन्यू रिकॉर्ड में वो मालिक के तौर पर अपनी एंट्री करवा सकता है। तो दोस्तों आज वीडियो में हमने बात की कि एड्रेस पोजीशन होता क्या है, साथ में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के जो जजमेंट रविंदर कौर बनाम मनजीत कौर उसके बारे में चर्चा की, उसमें ये बताया कि पहले जो अलग अलग हाई कोर्ट के जजमेंट थे वो उन सबको ओवर रूल करते हुए ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने एड्रेस पोजीशन के बारे में ये बताया कि अब वो व्यक्ति जो किसी प्रॉपर्टी पर एड्रेस पोजीशन में है वो बतौर मुदई या प्लेंटिव अपना केस फाइल कर सकता है और उसमें एड्रेस पोजीशन क्लेम करते हुए अपना एड्रेस पोजीशन साबित कर देता है तो रेवेन्यू रिकॉर्ड में भी मालिक के तौर पर उसमें आ जाता है। तो दोस्तों आशा करते हैं आज आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी और इस वीडियो के माध्यम से समझ गए होगी एड्रेस पोजीशन क्या होता है और कोई व्यक्ति एड्रेस पोजीशन को कैसे क्लेम कर सकता है। यदि आपको हमारी वीडियो पसंद आई, वीडियो को लाइक कर लें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और यदि आपकी कोई शिकायत या सुझाव है तो कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं, उसमें हम दोस्तों कोशिश करते हैं कि आपकी जो समस्या है उसका जल्दी से जल्दी समाधान किया जाए, या तो कोई वीडियो बनाकर या आपको उस कमेंट बॉक्स में आपका जवाब दिया जाए। धन्यवाद।